अस्सलामुअलैकुम क्लास थ्री। क्लास थ्री हम कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन, है ना। और हमने क्या देख लिया था कि अगर किसी भी नंबर को, चाहे वो वन डिजिट हो चाहे वो टू थ्री फोर फाइव, जितने भी डिजिट हो, अगर उसे आप 100 या 10 या 1000 या 10,000 यानी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं के वन लगा हुआ है और उसके आगे जीरो है, तो बहुत आसान है। क्या करना है, 7 1 टाइम 7 और जितने जीरो हैं वो आगे लगा दें। जैसे 5 6 7, तो 5 6 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 7 ही आएगा और ये 2 0 आगे लग जाएंगे। ये आसान तरीका है मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं, अगर सपोज यहां ये आपका 1 नहीं हो बल्कि यहां हो कोई और फिगर। अब देखिए यहां हो 2, चलिए यहां हो 6, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे। जैसे आपने 7 1 टाइम कहा था 7, है ना, तो 7 2 टाइम क्या होता है, 7 2 टाइम होता है 14, है ना। 14 लिखिए और 0 लगा दीजिए बस। और देखिए हम वैसे भी करके देखते हैं, चलिए देखिए ये 20 है ना, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करें। अब ये मैं मल्टीप्लाई करना भी आपको सिखा रही हूं, ठीक है। देखिए जब भी किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 0 हो जाता है, यानी 7 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 टाइम इज 0, ठीक है। किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसे किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर वही रहेगा, लेकिन किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 0 0, ठीक है। और अब करेंगे 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 7 2 14, ये देखिए आ गया वही, है ना। चलिए अब इसको करके देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमने ये पूरा जो नंबर है इस पूरे नंबर को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये डबल डिजिट का, 2 डिजिट का तो मल्टीप्लीकेशन हम पीछे देख चुके हैं ना, कर लिया है ना, हमने सीखा है ना 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। अब हम 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। सपोज हमारे पास है 5 6 7, 5 6 7, और इसे आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 से। 0 को तो भूल जाइए अभी, है ना, 6 से मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करेंगे, जैसे 2 डिजिट में करते थे, सपोज मैं आपसे कह रही हूं कि 13 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो आप क्या करते थे, 2 को 3 से पहले करते थे, है ना, 2 3 6, और फिर 2 को 1 से करेंगे, 2 1 2, है ना। इसी तरह आप इसमें क्या करेंगे, 6 को पहले 7 से करेंगे, 6 7 42 का 2, देखिए 42 ऐसे लिखते हैं ना, ये तो ये क्या है, ये 1s है, तो 1s 1s के नीचे आएंगे और 4 कैरी हो जाएगा, सही है। अच्छा उसके बाद 6 6 36, अब 36 में 4 प्लस कीजिए, अब 36 6 36 6 6 36, अब 36 में 4 प्लस कीजिए, 36 37 38 39 40। अब देखिए 40 कैसे लिखेंगे, 40 ऐसे लिखेंगे, 0 कहां जाएगा, 0 अब यहां आ जाएगा और 4 यहां कैरी हो जाएगा, सही है। आप किससे करेंगे, 6 को, अब 6 को करेंगे 5 से, 6 5 6 5 30, 30 में 4 प्लस कीजिए, 34। यानी जब आपने 5 6 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया आपके पास, आपके पास आया 3 4 0 2,
ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये 20 और लगा दीजिए यहां पे, ये लीजिए, सही है। चलिए एक और करके देखें, 15 को मल्टीप्लाई कीजिए 300 से, सही है। अब कैसे करेंगे जल्दी से बताइए, अगर 15 का टेबल याद है फिर तो यूं होगा। देखिए 15 थ्री टाइम कितना होगा, 15 थ्री टाइम 15 30, और 30 में 15 और मिला दीजिए 30 40 45। और अगर टेबल याद है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, 15 थ्री टाइम इज 45। अब 45 हमने यहां लिखा है ना, और यानी इसको और इसको तो मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ठीक है। अब 0 यहां आके लगा दिए। चलिए आप इसे करके भी देखते हैं, है ना, ताकि आपको बात पूरी तरह समझ में आ जाए। ये देखिए यहां करके दिखा रही हूं मैं आपको। अब इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 300। 300 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 से। 15 को नीचे रखिए, सही है। अच्छा आप देखिए 15 00 15 00 और 15 थ्री टाइम इज 45 आया करना। अच्छा एक और तरीका है, अब जिन्हें 15 का टेबल याद ना हो वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो याद ही नहीं करेंगे। नहीं भाई फिर तो आप पीछे हो जाएंगे, कभी भी मैथ नहीं आएगा अगर टेबल वगैरह याद नहीं करेंगे तो। 300 अब इसे 15 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम 15 में 5 वंस है ना, पहले इस 5 से इसको देंगे, फिर 5 से इसको देंगे, फिर 5 से इसको देंगे। 5 0 0 है ना, 0 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो भी 0 हो जाता है। 5 0 0 5 3 15। अब देखिए 5 का मामला हो गया, अब क्या चीज है, अब क्या है यहां पे 1। अब इन सब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां हम ये 5 का मामला कर चुके हैं ना, तो इसके नीचे क्रॉस डाल देंगे। आप देखिए 1 0 0 1 0 0 1 3 3। अब इन्हें आप प्लस कर दें, 0 0 5। ये देखिए वही आ गया, कितने तरीके से करके दिखाया ना। चलिए अब हम डबल डिजिट का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, अगर नीचे भी डबल डिजिट हो और ऊपर भी डबल डिजिट हो। जैसे सपोज आपके पास है 39, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करना है आपने 17 से। अब 17 का टेबल सपोज याद नहीं है तो कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। पहले 7 से करेंगे, 7 9 63 63 का 3 यहां 6 कैरी, फिर 7 3 टाइम इज 21, और 21 में 6 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 27, ठीक है। अब 7 का मामला हो गया, अब 1 का मामला कीजिए, इन दोनों से 1 को करना है। अब देखिए 7 का कर लिया था ना, तो इसलिए इसके नीचे क्रॉस आएगा, 1 9 टाइम 9 और 1 3 टाइम 3 है ना। अब इसे प्लस कर दीजिए, 3 9 और 7 16 6 कैरी 1, 2 1 3 3 3 6, ठीक है, आया करना कुछ। चलिए एक और नंबर को करते हैं। आप देखिए आपके पास है 79, ठीक है, और 79 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, सही है। चलिए करते हैं, अब क्या करेंगे जल्दी से बताइए, 25 का टेबल तो नहीं आता है ना, तो पहले इस 5 को 9 से करेंगे, फिर इस 5 को 7 से करेंगे। चलिए 5 का टेबल पढ़िए 9 तक, 5 9 टाइम इज 45। कैसे
लिखते हैं 45, ये अब 5 कहां जाएगा, यहां आएगा, और 4 कहां जाएगा, कैरी हो जाएगा, सही है। अच्छा अब 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, ठीक है, 5 7 जा 35, अब 35 में 4 मिलाइए जल्दी से, 35, 36, 37, 38, 39, ठीक है। अब ये देखिए, ये 5 हो गया, है ना, 5 का कर लिया अब हमने, अब 2 से कीजिए, यानी ये एरो हटा दें हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 2 से करेंगे, 2 को पहले 9 से करेंगे, फिर 2 को किससे करेंगे, 7 से करेंगे। अच्छा आप देखिए, यहां जो वंस पे नंबर था वो कर चुके हैं ना हम, तो इसलिए वंस पर क्रॉस डाल देंगे, सही है। चलिए 29 टाइम इज 18, 18 का 8 कैरी 1, 2 7 जा 14, 41 15, अब 5 इसके नीचे आएगा और 1 अलहदा लिखेंगे, है ना, और फिर इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, अब कीजिए प्लस 5 8 और 8 9 और 8 17 कैरी 1, 5 और 3 8 और 1 9, और ये 1, ये देखिए आया करना। एक और एग्जांपल कर दूं, चलिए 402, और इसे मल्टीप्लाई करना है 28 से। चलिए देखिए क्या करेंगे, जल्दी से बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, 8 से करेंगे, किसको, 8 से 2 को करेंगे, फिर 8 से 0 को करेंगे, फिर 8 से 4 को करेंगे, ठीक है। पढ़िए, 8 टू जा 16, 6 कैरी 1, अब देखिए 8 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, है ना, तो इसलिए 1 ऐसी यहां उतार लेंगे, सही है। अब 8 4 जा 32 हो गया 8, अब किससे करना है, आप ये एरो इरेज कर दें, अब किससे करेंगे जल्दी से बताइए, 2 को पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, है ना। आप देखिए 2 2 जा 4, यहां तो लिखूं नहीं लिखूंगी ना, क्यों नहीं लिखूंगी, क्योंकि 8 वंस की जगह पे था, तो ये वंस की जगह पे हम काम कर चुके हैं, है ना। अच्छा आप 2 का टेबल पढ़िए, 2 2 जा 2 2 टाइम इज 4 और 2 0 0, ये तो कैरी वो पिछले वाले का है ना, 2 0 0 और 2 4 जा 8, अब देखिए जो जिसके नीचे आ रहा है नंबर उसके नीचे ही लिखते हैं, आगे पीछे लिख देंगे तो सब गलत हो जाएगा, अब इसे प्लस कर दें, 6 5 2 8 और 3 कितना होता है, या 3 और 8 11, आ गया ना करना। चलिए अब देखिए टेबल जरूर याद कर लें, और देखिए उसको याद करने का तरीका क्या है, टेबल जरा बड़ा बड़ा सा लिखिए बड़े रजिस्टर के पेज पे, और घर में कहीं लगा दे टेप से, और हर थोड़ी देर बाद आते जाते देखिए उसे, पढ़िए एक दफा, एक दिन में एक टेबल याद हो जाएगा, सही है। अच्छा चलिए अब इसकी वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, पेज नंबर 81 खोल लीजिए जल्दी से, और देखिए स्क्रीन पे आ रहा है लिखा हुआ, अब आपने गौर से देखना है इसको, ठीक है। राइट द आंसर इन द ब्लैंक, अब ब्लैंक में सिर्फ आंसर लिखना है, पढ़िए क्या लिखा है इसमें, बीना सेव्स अ बकेट्स ऑफ वाटर इन वन डे, बकेट्स ऑफ वाटर, जी क्या मतलब हुआ, बीना सेव्स 4 बकेट्स ऑफ वाटर इन वन डे, सेव मीन क्या होता है, बचाना, सेव मीन बचाना, बीना सेव्स बचाती है 4 बकेट ऑफ वाटर, यानी पानी की 4 बाल्टियां बचा लेती है इन वन डे, एक दिन में, हाउ मेनी डज शी सेव इन वन वीक, एक हफ्ते में कितना बचाएगी पानी,
एक दिन में एक बाल्टी बचाई उसने. हाउ मैनी डज शी सेव इन वन वीक. वन वीक में कितने डेज होते हैं? 7 days होते हैं. तो आप क्या लिखेंगे अब ब्लैंक में? आप ब्लैंक में लिखेंगे 4, 7 times 28. 28 buckets. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. अब ये देखिए, देयर आर 7 magic hats. 7 magic hats है, सही है? अच्छा देखिए, देयर आर, जब किसी चीज का कहीं एग्जिस्टेंस होता है, कोई चीज मौजूद होती है, वहां देयर आर या देयर इज लगाते हैं. जैसे मैं कहूं देयर इज ए बुक ऑन द रोस्टर, देयर आर 15 students इन माई क्लास. ठीक है, तो इस तरह देयर लगाते हैं. अब देखिए, देयर आर 7 magic hats. कितने मैजिक हैट्स हैं? जादुई टोपी कितने हैं? 7 है. देयर आर 4 rabbits इन ईच हैट. हर हैट में 4 rabbits हैं. आपने देखा होगा ना, मैजिक मैन जो होता है, मैजिशियन जो होता है, जादूगर जो होता है, वो जादू करके दिखा रहा होता है ना, वो हैट में से कबूतर निकल के आता है, इस तरह दिखा रहे होते हैं ना, इसी तरह है. देयर आर 4 rabbits इन ईच हैट. हर हैट में 4 rabbits हैं. आप इमेजिन कर लीजिए कि 7 hats हैं. अब एक हैट में जो है वो 4 rabbits हैं, सही है? देखिए 7 hats हैं और एक हैट में 4 rabbits हैं, तो यानी 7 4 times. क्या मतलब हुआ? 7 4 times, जल्दी से बताइए कितना होगा 7 4 times? 28. यानी आप कहेंगे 28 rabbits. देयर आर 28 rabbits. द टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स इज 28. या आप यूं कहें, देयर आर 28 rabbits. ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देयर आर 6 spider webs. स्पाइडर वेब्स क्या होती हैं? वेब कहते हैं जो मकड़ी का जाला होता है उसको, स्पाइडर वेब, मकड़ी के जाले को. देयर आर 6 spider webs. अब अपने जहन में सोच लीजिए कि 6 spider webs हैं. 7 insects आर ट्रैप्ड इन ईच वेब. और हर जाल में 7 छोटे छोटे कीड़े फंसे हुए, हर जाल में. हाउ मेनी इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड ऑल टुगेदर. अब टोटल कितने इंसेक्ट्स फंसे हुए हैं, है ना, ट्रैप हुए हुए हैं, तो कैसे पता चलेगा? 6 7 times. अब जो आंसर होगा तो वो इतने क्या होंगे? इंसेक्ट्स होंगे. आगे देखिए, देयर आर 4 witches. विचेस क्या होती है? जादूगरनी को कहते हैं. देयर आर 4 witches. ईच विच हैज 2 brooms. हर विच के पास 2 झाड़ूए हैं. देयर आर 4 witches. कितनी जादूगरनी है? अब जहन में सोचिए, 4 जादूगरनियां खड़ी हैं और हर जादूगरनी के हाथ में 2 brooms हैं, यानी 2 झाड़ूए हैं. ठीक है, अब देखिए, 4 2 4 2 8, यानी हाउ मेनी ब्रूम्स आर देयर इन ऑल? इन ऑल देयर आर 8 brooms, है ना. टोटल कितनी ब्रूम्स हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी. हर एक के हाथ में 2-2 है ना, तो आप क्या कहेंगे? 4 witches हैं. 4 2 times 8. आगे देखिए, आई हैव 6 ice cream cones. मेरे पास 6 ice cream cone है. देर आर 3 scoops इन ईच कोन. हर कोन में 3 scoops है. देर आर 3 scoops. स्कूप किसे कहते हैं? आपने देखा है वो आइसक्रीम निकालने का जो चमचा होता है, जो जरा सा बाउल नुमा होता है, यूं बना हुआ, और फिर उसे यूं भर के आइसक्रीम निकालते हैं, उसे स्कूप बोलते हैं. तो हर कोन में 3 scoops डले हुए हैं.
यानी तीन दफा भर के डाला है। घर में भी जब आइसक्रीम आती है तो इसी तरह करके देते हैं ना, किसी भी बाउल के अंदर फिर वो स्कूप से निकाल के आइसक्रीम देते हैं। तो यानी आई हैव सिक्स आइसक्रीम कोन्स, अब कोन खाली हाथ में है, ठीक है, देयर आर थ्री स्कूप्स इन ईच कोन, अब हर कोन में क्या क्या तीन तीन स्कूप डाल दिए, तो सिक्स आइसक्रीम कोन थी, कितना हो जाएगा, हाउ मैनी स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम इन ऑल, अब छह आइसक्रीम्स में कुल कितने स्कूप बने, तो क्या होगा यहां पे, सिक्स थ्री टाइम इज, सिक्स थ्री टाइम इज 18, 18 क्या आएगा स्कूप्स, ठीक है। चलिए आगे चलिए, देयर आर नाइन स्क्वायर्स, कितनी गुलहरियां हैं, नौ गुलहरियां, कभी देखिए गुलहरी इतनी लंबी सी उसकी दुम होती है, देखिए पिक्चर आ गई होगी, है ना, देखिए ये स्क्वायरल है, ठीक है, अच्छा, ईच स्क्वायरल ईट्स एट नट्स, स्क्वायरल जो होती है, गुलहरी जो होती है वो नट्स खाती है, जो आपके जैसे पीनट है या वॉलनट है, इस तरह से नट्स खाती हूँ। हाउ मेनी नट्स आर ईटन, अब हर गुलहरी ने, कितनी गुलहरियाँ हैं, नाइन गुलहरियाँ हैं, है ना, हर गुलहरी ने कितने खाए, आठ, आठ नट्स खाए, बताइए उन्होंने कितने खाए, तो नाइन एट टाइम इज, ठीक है, अच्छा चलिए आगे, देर आर 12 फीमेल कैंगरूज इन अ ज़ू, फीमेल कैंगरू यानी एक मेल होता है एक फीमेल होता है, जैसे बकरा बकरी, तो बकरी क्या है, फीमेल है, और बकरा क्या है, मेल है, तो फीमेल कैंगरू हैं एक जू में, कितने 12, ईच मदर हैज ट्विन्स इन हर पाउच, आपने देखा होगा ना कि कैंगरू के आगे पेट के ऊपर जो है वो एक पाउच लगा हुआ था, उसमें उसका बच्चा हर वक्त रहता है ना, तो अब हर कैंगरू की, हर फीमेल कैंगरू के पाउच में दो बच्चे हैं, अब टोटल कितने कैंगरूज हैं, 12 हैं, और हर एक के पाउच में कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, बताइए कितने हुए टोटल, हाउ मैनी जॉइस आर देयर इन ऑल, जॉइस किसे कहते हैं, जोई कहते हैं कैंगरू के बच्चे को, है ना, तो हाउ मैनी जॉइस आर देयर इन ऑल, टोटल कितने जॉइस हैं, तो कैसे पता चलेगा, 12 टू टाइम इज, यस, अब आप खुद करेंगे, देयर आर 11 ट्रीज इन द पार्क, एक पार्क में 11 ट्रीज हैं, 7 मंकीज आर सिटिंग ऑन ईच ट्री, हर ट्री पे 7 मंकी बैठे हैं, हाउ मेनी मंकीज आर देयर इन ऑल, अब मैं नहीं बता रही,